Sorry, Doctor. Doctor? ये मुझे बहुत टेंशन हो गई है। मेरी टेंशन छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट्स आ गई क्या? तुम्हें अपनी रिपोर्ट्स की पड़ी हुई है? और यहाँ मेरी बीवी मेरा सर खा रही है। 30 लाख में मैंने एक शांत इलाके में मस्त घर देखा था, और उसने वही रेट में बीच बाजार में एक वन रूम किचन लिया है। वो सब तो ठीक है, पर ठीक नहीं है। उसी बिल्डिंग में मेरी लवर नर्स रहती है, कल बीवी ने पकड़ लिया मुझे। सॉरी सर, मेरी रिपोर्ट्स का क्या हुआ? मैंने उससे सॉरी भी कहा लेकिन नहीं मानती। ये सारी गलती मेरी बीवी की। मेरी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? पी चंद्रशेखर की, जो मैं ही हूँ। ये मेरे हाथ पे जो गांठ है ना, उसकी स्कैनिंग की थी आपने। मैंने? हाँ। क्या हुआ था वहाँ पे? अब ये मैं कैसे बताऊँ? आपने स्कैन करके बताया था कि ये शायद ट्यूमर हो सकता है। मैंने बताया? हाँ। ओ, तो तुम वो हो? हाँ। अब इसने रिपोर्ट कहा रखी, नर्स भी गायब है, अभी क्या करूं, कहां रखी है? वो रहती तो मेरी मदद हो जाती। ये फाइल होगी। रात को ज्यादा हुई थी क्या? चढ़ गई थी तो सर पे भी लग गई। ट्यूमर हो सकता है। नर्स ने क्या कहा था आपसे? पाइल्स हो सकता है या फिर ट्यूमर, या ये कैंसर की गांठ भी हो सकती है। ट्यूमर है या कैंसर की गांठ है, कुछ बताओगे कि नहीं? एक मिनट रुक जाइए सर, दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या है कि जब मैं पकड़ा गया था तो मेरी छाती पे बाल नहीं थे, मतलब कपड़े नहीं थे। मीडिया वाले भी इतने आगे कुछ समझ नहीं आया। हैंगओवर उतरने दीजिए, मैं सब बता दूंगा आपको। ये टीवी वाले भी ना डेली सोप कम दिखाते, मेरी न्यूज बार बार दिखाते रहते हैं। मुझे तो तुम किसी गधे के डॉक्टर लग रहे हो। मैं गधा लगा? पहले पजामे का नाड़ा बांधना सीखो। नाड़े वाला नहीं, इलास्टिक वाला है। शेखर, आप कहाँ हैं सर? आपका वेट कर रहे हैं, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? जाना यार। यस सर, मेरे जवान वहां पहुंच जाएंगे। ओके सर। क्या ये? क्या 10 मिनट में 34 मिस्ड कॉल्स? इतना तो स्वाति भी नहीं करती। ऐसा कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाई प्रोफाइल केस, टॉप सीक्रेट। ये तो हर दिन का किस्सा है। हाय सर, आपकी एज क्या है? 58 साल। रिटायर होने के बाद आप क्या करेंगे? पोता पोती को स्कूल छोड़ने जाएंगे? 20 साल पहले आपकी बीवी तो छोड़ के चली गई, और आपके उन भगोड़े बच्चों को खोज कर लाने में 4 दिन का खुफिया ऑपरेशन चलाना पड़ा था, तब जाके पकड़ पाया था। हाँ तो सर, आपके साथ काम करने में मेरे पसीने छूट जाते हैं सर। चलो छोड़ो ये सब, इस इम्पोर्टेंट मिशन के लिए सर, तुम जाओ। भाड़ में गया मिशन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरी परेशानी समझ में नहीं आ रही है क्या? आई एम रिजाइनिंग, इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या कहा? अब मराठी में बोलूँ क्या? ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? अकल आ गई मुझे। अकल आ गई? आप मेरी जान छोड़ो सर, आप रोज फोन करते हैं, हाई प्रोफाइल केस बता के किसी कोवर्ट ऑपरेशन में भेज देते हैं। मैं अपनी बीवी से झूठ बोल बोल के थक चुका हूँ। ये काउंसलिंग सेशंस और डिवोर्स केसेस अब मुझसे हैंडल नहीं होते, बहुत हो गया। कम ऑन, इसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर तुम्हें अंडरकवर या कोविड ऑपरेशन नहीं दूंगा, आप तो ठीक है ना? बैठ कर बात तो करो। बैठ कर बात करने का स्टेज अब जा चुका है सर। ये किसने कहा? किसी ने कहा होगा। देखिए, मुझे रेजिग्नेशन लेटर लिखने तक भी यहाँ नहीं रुकना। अरे लेकिन मैं घर जाके स्कैन कॉपी आपको मेल कर दूंगा, बस बहुत हो गया, जान छोड़ो। शेखर, इस समय तुम बहुत टेंशन में हो, हम रात में ठंडे दिमाग से बात। रात हो या दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, स्कॉटलैंड से मैंने एकदम नई बॉटल मंगवाई। अब आप तारे भी तोड़ के लाओगे ना, तब भी नहीं। प्लीज सर, जीप में जो पेट्रोल भरवाया था उसका बिल चाहिए। रास्ता छोड़ शेखर। शेखर, कैन यू प्लीज? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, रटता रहता है। सर, आपने कुछ कहा? शेखर को कैंसर है। कैंसर? क्यों सर? क्यों क्या? आदमी एक ही कथा। मतलब कहां पर? वही तो समझ नहीं पा रहा हूं, इसमें तो हाथ पर लिखा हुआ है। हाथ पर कैंसर नहीं होता सर, पाइल्स की रिपोर्ट होगी। बिना जाने क्यों बोलता रहता है? इसी वजह से वो रिजाइन कर रहा है। रिजाइन कर रहे? तब तो पक्का कैंसर ही होगा, ऊपर वाला उसका भला करे। तेरी परेशानी समझ सकता हूं शेखर। प्लीज गधे। जल्दी 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 जल्दी
नीचे उतर, बाहर निकल। चल, चल, क्या समझ रखा कर, जल्दी कर। रोड तुम्हारे बाप की है क्या? जहाँ मन करेगा घुसा दोगे। जल्दी कर, वो भाग रहा है। गाड़ी का नुकसान कौन भरेगा? चल रिपेयर करवा के दे गाड़ी। ओके ओके ओके, कूल कूल डाउन। अरे मैंने रिपेयर के पैसे मांगे यार, तुमने तो पिस्तौल ही निकाल ली। जिंदगी गाड़ी से बढ़ के है भाई। PX4 स्टॉर्म नया मॉडल है, अच्छी गन। चल। यस सर। TS10GK2636 नंबर प्लेट चेक करो जी। ये हुंडई व्हाइट सोनाटा की है, बेगमपेट की तरफ गई है, अभी ताज कृष्णा सिग्नल क्रॉस किया है, इसे ट्रैक करके जल्दी से बताओ। श्योर सर। वन मोर थिंग, इंडिया में बरेटा PX4 स्टॉर्म गन किसके किसके पास है, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। श्योर सर, मैं आपको अभी बताता हूँ। Excuse me. Yes, sir. मैं यहाँ चिंटू को पिकअप करने आया हूँ। किस ग्रेड में है? सेकंड ग्रेड में होगा शायद। ठीक से याद कीजिए। याद है, सेकंड ग्रेड ही है, कंफर्म। सेकंड ग्रेड की क्लास टीचर तो मैं ही हूँ, चिंटू मेरी क्लास में तो है नहीं। ऋषि, ऋषि। तो आप ऋषि के पापा हैं। आपसे पहली बार मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। वो देखो, वो रहा आपका ऋषि। ओह हाँ, थैंक्स। वो यूनिफॉर्म में था ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। ओके। अरे तुम यहाँ खड़े हो, अब तुमने मुझे देखा तो पुकारा क्यों नहीं? आओ, अरे आओ ना। क्या हुआ ऋषि, नाराज हो क्या? गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रहे हो? Is everything all right, ऋषि? ये अंकल तुम्हें परेशान कर रहे हैं क्या? Excuse me, mister, who are you and why are you scaring ऋषि? हेलो, तुम ऋषि से बात करो, वो कार में नहीं बैठ रहा। ये लो, बात करो मम्मी से। हेलो आंटी, रितिका बोल रही हूं। हाय रितिका, ये ऋषि के पापा है। ओके आंटी, थैंक यू। परेशान मत हो ऋषि, ये सच में तुम्हारे पापा हैं। टेक केयर ऋषि, बाय बाय अंकल। आ जाओ बेटा, आ जाओ। रितिका तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? 5 साल की उम्र में ही गुल खिलाना शुरू कर दिया? मैं 6 साल का हूँ। अच्छा अच्छा, ये लो चॉकलेट खाओ। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं खानी है तो गर्लफ्रेंड को दे दो, वो खा लेगी। अच्छा, गर्लफ्रेंड को भी चॉकलेट नहीं पसंद? वो बस स्निकर्स खाती है, 5 स्टार और डेरी मिल्क नहीं खाती है रितिका। स्निकर्स? ये निकर है या चॉकलेट है? ओ ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए 2 स्निकर्स लाऊंगा, तुम्हारे लिए एक, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए। आप कल भी आने वाले हैं क्या? और परसों भी आऊंगा। कल तो माँ मुझे और रितिका को लेकर एग्जीबिशन जाने वाली है। अच्छा डेट है, मैं लेके चलूंगा ना। लेकिन मैं तो आपके साथ जाऊंगा ही नहीं। अरे तुमसे पूछ कौन रहा है, मैं कल आऊंगा और तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एग्जीबिशन में ले जाऊंगा, बस ये फाइनल। ये लो खा लो इसे। उतर बेटा। गुड। फिर से चॉकलेट खाई? पापा ने। हाँ, हाँ, हाँ। क्या है ना, चॉकलेट हार्ट के लिए अच्छी होती है। किसने कहा? यूके के डॉक्टर्स ने। ये आ गया ना, अब मैं चलूं? कार को क्या हुआ? हाँ, छोटा सा एक्सीडेंट।
छोटा सा तो नहीं लगता, लगता है चार या पांच गाड़ियों ने मिलकर इसकी। हाँ, 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 ऐसा नहीं है। मेरे गिफ्ट की गुड़िया को तो देखो, उसका सर कहाँ गया? अंदर रखी है ना। सच सच बताओ, तुमने तोड़ दी ना? ज्यादा कुछ नहीं, सिर धड़ से अलग हो गया है बस। वो मेरा पहला गिफ्ट था तुम्हारे लिए, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। क्यों याद नहीं होगा स्वाति, मैं इसे गोंद से चिपका दूंगा। ठीक है, इमोशंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, अब जाने भी दो। कॉफी तैयार है? कॉफी नहीं पीनी क्या? हाँ। ओ, अर्जेंट काम होगा। अरे क्या अर्जेंट, कुछ अर्जेंट नहीं है, आता हूँ ना, चलो ना पीते हैं। बैठो, कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ। शहर के वेंकट रमन कॉलोनी के तिरंगा अपार्टमेंट में एक 50 साल की औरत की कत्ल की खबर आई है। इस घटना की ताजा अपडेट्स के लिए आइए हम चलते हैं अपने रिपोर्टर रमेश के पास। हाँ हेलो, नंबर प्लेट फेक है सर। कार को फॉलो किया था? यस सर, बेगमपेट और सिकंदराबाद के बाद मेडिकल सिग्नल के कैमरे पर आखिरी बार देखी गई। ठीक है, कार की डिटेल्स फॉरेन डिपार्टमेंट को भेज दो और उस कार के ड्राइवर का भी पता लगाओ। उस रूट के सारे सिग्नल्स के कैमरा की फुटेज अपने डेटाबेस में सर्च करो। इसको हाई प्रायोरिटी केस की तरह देखो। हो जाएगा सर। गन ओनर्स की लिस्ट मिली? एक मिनट सर, सेंट्रल ब्यूरो को हाई प्रायोरिटी रिक्वेस्ट भेज दिया सर, जवाब नहीं आया। ओके, फॉलो अप करते हैं। तुमने बुलाया? हाँ, नहीं स्वाति। वो अपने घर में थी। एक चश्मदीद गवाह हमारे साथ मौजूद है जो इस बिल्डिंग के वॉचमैन है, आइए हम उनसे बात करते हैं। उस समय यही वॉचमैन ड्यूटी पे थे, आइए हम उनसे बात करते हैं, बताइए क्या हुआ। अचानक एक गोली की आवाज आई, मैं सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि तभी एक आदमी काला शर्ट और काला हेलमेट पहने हुए लाल रंग की बाइक पर यहां से भागता हुआ दिखाई दिया। तभी 206 वाली आंटी की चीख सुनाई दी। मैं उस बाइक वाले को छोड़कर जब वहां पहुंचा तो देखा 207 वाली आंटी गिरी हुई थी, खून फैला हुआ था। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। क्या आपने उसके हाथ में कोई गन वगैरह देखी थी? नहीं जी, नहीं देखी। वो किस तरफ भागा था? मार्केट की तरफ भागा था। शेखर, क्या समझ में नहीं आता? कहाँ जा रहे हो? देखो मैं भी पुलिस हूँ। पुलिस जाने दो। तो पुलिस की आईडी कहाँ है? ऑफिस में छोड़ के आया हूँ, चलो जाने दो। यहाँ हर कोई खुद को पुलिस वाला या फिर विधायक का भतीजा भांजा बताता है, कैसे विश्वास करें? आइए सर, आने से पहले बता देते। अच्छा, सिचुएशन क्या है? ओ पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? वो वहां बैठी है। हम दोनों मार्केट से लौट रहे थे।